गैल गैडॉट ने की शाहीन बाग वाली बिल्किस दादी की तस्वीर शेयर, बताया असली जिंदगी की वंडर वुमेन। हॉलीवुड फिल्म वंडर वुमेन 1984 को दर्शकों की काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। फिल्म को विदेश के साथ ही इंडिया में भी काफी पसंद किया जा रहा है। इस फिल्म में मुख्य अभिनेत्री का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री गैल गैडॉट को भी काफी पसंद किया जा रहा है। गैल गैडॉट ने अभिनय के साथ ही अपनी खूबसूरती से भी लोगों का दिल जीत लिया है। गैल गैडॉट सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। वो अक्सर अपनी कई तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। हाल ही में साल के खत्म होने पर गैल गैडॉट ने रियल लाइफ वंडर वुमेन की तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं। इन तस्वीरों में एक तस्वीर ऐसी है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। ये तस्वीर है शाहीन बाग में हुए CAA NRC प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने वाली दादी बिल्किस बानो की तस्वीर। इस तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में गैल गैडॉट ने लिखा, 2020 तक विदाई की बात मेरे पूरे प्यार के साथ माय पर्सनल वंडर वुमेन पर। कुछ मेरे सबसे करीबी हैं, मेरे परिवार, मेरे दोस्त, कुछ प्रेरक महिलाएं हैं जिन्हें मैंने प्यार किया है और कुछ असाधारण महिलाएं हैं जिनसे मुझे उम्मीद है कि भविष्य में मिलूंगी। एक साथ हम चमत्कार कर सकते हैं। अपने खुद के आश्चर्य महिलाओं को मेरे साथ शेयर करें। गैल ने सोशल मीडिया पर स्टोरी पर विस्तार से बिल्किस दादी को अपने फैंस से मिलवाते हुए और ये बताते हुए कि उन्होंने उन्हें कैसे प्रेरित किया। गैल ने लिखा, भारत में महिलाओं की समानता के लिए लड़ने वाली इस 82 साल की एक्टिविस्ट ने मुझे दिखाया है कि आप जिस पर विश्वास करते हैं उसके लिए लड़ने में कभी देर नहीं होती। गौर करने की बात यह है कि 82 साल की बिल्किस बानो शाहीन बाग में चल रहे NTCAA और NTNRC प्रोटेस्ट के दौरान सामने आई थी, जो लगातार 3 महीनों तक चला। बिल्किस दादी को टाइम्स मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल अराउंड द वर्ल्ड लिस्ट में भी शामिल किया गया था। आपकी क्या राय है खबरों के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।